गुड मॉर्निंग बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए हैं, अब आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है। हमारा यूनिट फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया है, अब यूनिट थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा लेसन नंबर 9 उचित न्याय, यहाँ से हमारा अब लेसन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम इसको, इसमें स्टोरी है, इसमें एक राज्य है जिसका नाम शिवपुर है। वहाँ के राजा हैं आदित्य प्रताप सिंह। वे बहुत बलशाली, बुद्धिमान और दानवीर हैं। उनके वैभव और न्याय की कहानी पूरे देश में फैली हुई थी। शिवपुर के लोग अपने राजा का पूरे दिल से आदर करते थे। राजा आदित्य प्रताप सिंह भी अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। उसी राज्य में एक गोपाल चंद नाम का सेठ था। वह बहुत धनी था। उसके पास एक पुश्तैनी हीरा था जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता था। सेठ की पत्नी मीना भी बहुत दयालु और कोमल स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी मिलकर लोगों की मदद करते थे। सबके दिन हंसते खेलते खुशी खुशी बीत रहे थे। एक दिन गोपाल चंद को कुछ दिनों के लिए ज़रूरी काम से दूसरे राज्य जाना था। उसे हीरे की चिंता सताने लगी कि वो हीरा अब किसके पास रखवाए, कौन ऐसा भरोसेमंद होगा। गोपाल चंद की पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि क्यों ना ये आप अपने मित्र के घर रखवा दें, भरोसेमंद भी हैं और आप उन पे अच्छे से विश्वास भी कर सकते हैं, वो अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे और कोई धोखा भी नहीं करेंगे। गोपाल सेठ को अपनी पत्नी मीना की बात ठीक लगी। उसने हीरे को एक लाल रंग की थैलिया में डाला और उसे अपने भाई सुमेश को दे दिया। वे सुमेश के घर गए और सुमेश ने उनसे पूछा कि गोपाल, हाँ भाई गोपाल, कहो मैं तुम्हारे किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ। गोपाल ने कहा, भाई मुझे और मेरी पत्नी को एक बहुत ज़रूरी काम से दूसरे राज्य जाना है। हमारी बुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, लौटने में 10-15 दिन लग जाएंगे। तब तक मैं ये हीरा तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूँ। ये मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे संभाल कर रखोगे। सुमेश ने बोला कि हाँ, आप निश्चित रहें, मैं इसे संभाल कर रखूँगा। आप अपनी बुआ की तबीयत अपनी बुआ को देख कर आओ और उनकी अच्छी तबीयत होने पर ही लौटना। सुमेश की बात सुनकर गोपाल ने राहत की सांस ली। उसने सुमेश को वह थैलियाँ थमा दी और जाने के लिए तैयार हो गया। 20 दिनों बाद गोपाल अपनी पत्नी मीना के साथ वापस लौटा और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम घर जाओ, मैं सुमेश के घर जाकर आता हूँ और अपना हीरा लेकर आता हूँ। वे सुमेश के घर गया और उसने सुमेश ने उनकी बुआ का हालचाल भी पूछा। वो उसने बोला कि बुआ आप ठीक हैं, मुझे अब मेरा हीरा दे दो। सुमेश ने हीरे से अनजान हो गया। उसने कहा कि कौन सा हीरा, मेरे पास तुम्हारा कोई हीरा नहीं है। सुमेश के दिल में मन में लालच आ गया और हीरे को अपने पास ही रख लिया। गोपाल समझ गया कि इतना बड़ा हीरा देखकर सुमेश के मन में लालच आ गया, इसलिए वे अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। गोपाल ने सुरेश की अलमारी की तलाशी ली और उसमें एक थैलिया में, जिसमें उसने सुमेश को हीरा डालकर दिया था। गोपाल ने उस थैली से हीरा निकाला और कहा, ये मेरा हीरा है। सुमेश कहने लगा, नहीं, ये हीरा मेरा है, और अपना हीरा गोपाल के हाथ से छीन लिया। गोपाल ने कहा, गुस्से में आकर कहा, ये हीरा मेरा है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर सुरेश बोला, नहीं, ये मेरा हीरा है, इसे 2 दिन पहले ही मैंने जौहरी से खरीदा है। गोपाल बोला, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका फैसला आदित्य प्रताप सिंह ही करेंगे, चलो उनके पास। हाँ चलो, सुरेश ने कहा। दोनों दरबार में गए, वहाँ दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कुछ दिन बाद फैसला सुनाने को कहा। राजा आदित्य प्रताप सिंह हीरे को हाथ में लेकर सोच में पड़ गए, आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। हीरे में से एक खुशबू आ रही थी जिसमें चंदन और गुलाब। उन्होंने उसको सूंघा, वो कहने लगे, कितनी प्यारी खुशबू है, ये तो
चंदन और गुलाब की खुशबू है। राजा बुदबुदाए। फिर राजा ने उस थैले को सूंघा जिसमें हीरा रखा था, उसमें से भी वही खुशबू आ रही थी। इस खुशबू का उन दोनों में से किसी एक से कोई ना कोई संबंध है, राजा ने सोचा, पर इसका पता कैसे लगाया जाए। राजा ने एक उपाय सोचा और अगले सुबह वेश बदल कर पूछताछ करने चले गए। सबसे पहले वे सुमेश के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बोले, जी राजा जी का खास आदमी हूँ, यहाँ उस हीरे के बारे में पूछताछ करने आया हूँ, कृपया आप मुझे उस हीरे की कहानी विस्तार पूर्वक बताएं। सुमेश ने कहा, मैंने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से 3 दिन पहले वे हीरा राजा की झोली से 5,000 सोने के सिक्कों में खरीदा था, पर अब वह लालची सेठ उसे अपना बताकर मेरी पूरी जमा पूंजी हड़पना चाहता है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो झोली से जाकर पूछ लीजिए। वह रोता रोता उनसे बोलने लगा और इतना कहकर वे घर की छानबीन करने लगी, पर उन्हें वे खुशबू या उससे जुड़ी कोई भी चीज़ वहां नहीं मिली। राजा चले गए और सीधा सेठ गोपाल के घर पहुँचे। अब राजा गोपाल के यहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे बोला कि मैं राजा के खास आदमी हूँ, यहाँ हीरे के बारे में जांच पड़ताल करने आया हूँ, तो मुझे पूरा हीरे के बारे में बताइए। सेठ गोपाल खड़े हुए और कहने लगे, वह हीरा ना जाने कितने सालों से हमारे पूर्वजों के पास रखा है। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे एक डिब्बा सौंपा था और कहा कि इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखना, बस एक यही हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है। घर में अपने पिताजी से किया हुआ वादा पूरा ना कर सका। वो राजा का खास आदमी उस डिब्बे को देखना चाहता था और वो डिब्बा लेकर चले गया। उस डब्बे में से वो डब्बा चंदन का बना था और उस डब्बे में गुलाब की पत्तियां भी थीं। बस राजा समझ गए कि ये हीरा गोपाल का ही है। वो डब्बा राजा ले गए। फैसले के दिन राजा दरबार में आए और फिर से सबसे अपने अपना सच बताने के लिए कहा। राजा ने कहा कि फिर आप लोग सब कुछ सच सच बता दें, नहीं तो आप सब जो झूठा है उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी। सुमेश को ठहरा और पर सुमेश और जौहरी अपनी बात पर डटे रहे कि ये हीरा उन्हीं का ही है और जौहरी से ख़रीदा है। फिर राजा ने दोषी सुमेश को ठहराया और कहा कि तुम और जौहरी दोनों झूठ बोल रहे हो, सच बोल दो वरना तुम दोनों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। सुमेश और जौहरी दोनों को अब अपना खेल खत्म होता नजर आया। दोनों बहुत डर गए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। सुरेश ने कहा, दरअसल इतना बड़ा हीरा देख कर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने इस हीरे का भाव पता किया तो 10,000 सोने की अशर्फियाँ थीं। मैंने जौहरी को 3,000 सोने की अशर्फियों का लालच देकर उसे भी अपने साथ मिला लिया था। अब दोनों ने मिलकर ये पूरी कहानी बनाई। मुझे माफ़ कर दीजिए, सुमेश ने अपना गुनाह मानते हुए कहा। राजा ने फैसला सुनाया, तुम दोनों ने एक निर्दोष व्यक्ति से उसके पुरखों की आखिरी निशानी हड़पनी चाहिए और उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया। ये गुनाह तुम दोनों ने धन के लालच में किया, इसलिए सुमेश तुम्हें 2,000 अशर्फ होगा और जौहरी को सुमेश का हाथ देने के लिए 1,000 अशर्फियों का जुर्माना भरना होगा। साथ ही तुम दोनों को 1 साल की कैद भी सजा दी जाएगी। इस तरह राजा ने गोपाल को उसका हीरा वापस किया। राजा के मंत्री ने उनसे पूछना चाहा कि ये आपने दोषी का पता कैसे लगाया। राजा ने पूरी बात फिर सही से बताई कि हीरे में से चंदन और गुलाब आ रही थी, जो ये खुशबू गोपाल के घर से मुझे मिली।